स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चा, टुडेज टॉपिक इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं, और उसका क्वेश्चन नंबर है 17 क्लास 12th का, ठीक है। लेकिन बेटा प्लीज़ उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स दिलाएगा, और जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, या तो ये 3 मार्क्स में आते हैं, वरना 90% वो फंड वाले क्वेश्चन हैं ना जो इसके, वो 3 मार्क्स में आते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा उसकी 100% एक एंट्री किसकी होगी, सब्सक्रिप्शन की, और अगर आपने यही गलत कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना, और ये सबसे जो ये वाले हैं ना 17-18 क्वेश्चन, सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है। कैसे ईजिएस्ट हैं देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 बाय हैदराबाद आर्ट्स क्लब वर अंडर 2015-16 की, हमें जो ये कह रहा है करंट ईयर में हमें क्या क्या मिला है, ये सारा हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर में हमें मिला क्या क्या है, लास्ट ईयर के, मतलब लास्ट ईयर के 5000 मिल गए हैं, ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग होंगे उनमें से क्या मिल गए हैं, 5000 मिल गए हैं। उसके बाद 16-17 के 1,08,000, ये हमारे करंट ईयर के, और हमें मतलब किससे होता है, करंट ईयर से, मतलब किससे होता है हमें, करंट ईयर से। और ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिले हैं, एडवांस वाले, नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस होते हैं इस ईयर के, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कह रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन होनी कितनी चाहिए थी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, होनी कितनी चाहिए थी करंट ईयर में, 24,250 × 500, क्योंकि टोटल मेंबर्स हैं 250 और एनुअल सब्सक्रिप्शन है 500, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा 1,20,000 हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल कितनी गई है, 1,08,000। इसका मतलब 12,000 हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। और जब भी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग होती है हमारी ऐड होती है सब्सक्रिप्शन में, क्या होती है, ऐड होती है। वो कहना चाह रहा है कि टोटल होनी चाहिए थी 1,20,000, मतलब यहाँ पर आनी चाहिए थी 1,20,000, और सब्सक्रिप्शन है कितनी, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर में कितना, हमें करंट ईयर से मतलब होता है 1,08,000। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो मुझे कितनी आउटस्टैंडिंग हो रही है, 12,000, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि वो इन फ्यूचर में हमें ज़रूर मिलेगी, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 12,000। पता है इन वाले क्वेश्चंस में अच्छी क्या बात है कि देखो उसमें इंक्लूडेड होता था, उसमें क्या होता था, इंक्लूडेड होता था करंट ईयर में ही, करंट ईयर की इनकम में इंक्लूडेड होता था, तो हम उसे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी देखते थे, उसे माइनस करते थे, एडवांस को भी माइनस करते थे। लेकिन जब मैंने लिखा ही करंट ईयर का है ना, तो मैंने इसे ऐड करके लिखा लास्ट ईयर वाले को, ना ही मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए जो 3000 दे रखे हैं उनको ऐड कर रखा है इसमें, तो सीधी बात है इसमें जब अगर ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें करंट ईयर से मतलब होता है, और करंट ईयर का इफेक्ट कौन कौन सी चीज़ों का, करंट ईयर में कौन सी चीज़ें आती हैं करंट ईयर की, पहले तो सबसे पहले करंट ईयर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आएगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में करंट ईयर में क्या क्या ऐड कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर के ऐड कर देते हैं, और एडवांस को करंट ईयर के माइनस कर देते हैं, एडवांस फॉर करंट ईयर जो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, यही ट्रांजेक्शन आती हैं। क्योंकि सीधी बात है देखो, जब मैं ले 1,08,000 रही हूँ, तो इसमें ना तो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, ना ही नेक्स्ट ईयर का ऐड कर रखा है, क्योंकि देखो नेक्स्ट ईयर का अलग से दिखा रखा है और लास्ट ईयर का अलग से दिखा रखा है। इसका मतलब ये मेरा करंट ईयर का ही अगर गिवन है, तो क्या करूँगी मैं, 1,08,000 अगर यहाँ एडवांस भी होता तो उसकी भी ट्रांजेक्शन हो जाती, क्या हो जाती, लेकिन दे नहीं रखा, क्योंकि कह रहा लास्ट ईयर का दे रखा है आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर 2016 का आउटस्टैंडिंग क्या कर दूँगी मैं, माइनस कर दूँगी, एडवांस दे ही नहीं रखा, एडवांस गिवन ही नहीं है, ये एडवांस गिवन है 3000, लेकिन मैंने क्योंकि ऐड नहीं कर रखा इसलिए इसे माइनस नहीं करूँगी, अलग से दिखा रखा ना 3000, तो इसे माइनस मैं नहीं करूँगी, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर मेरे पास लास्ट ईयर के, करंट ईयर के सॉरी, रिसीव हुए 1,08,000, होने थे 1,20,000, इसका मतलब जो 12,000 है वो आउटस्टैंडिंग है, ये एक ट्रांजेक्शन थी, इसकी अच्छी एंट्री थी, 12,000 आउटस्टैंडिंग करके मैं लिख दूंगी और टोटल आ जाएगा मेरा क्या, 1,20,000, क्लियर हो गया। अगर एडवांस इसमें ऐड होते तो मैं माइनस करती, आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होते तो मैं माइनस करती, लेकिन कुछ ऐड ही नहीं है इसलिए
जब भी ऐसे ट्रांजेक्शन दे रखे हों तो तुम्हें बस दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, सिर्फ करंट ईयर का ध्यान रखना है। किसका? करंट ईयर, करंट ईयर का ही एडवांस, करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में बस करंट ईयर आएगा और क्योंकि इसमें ऐड ही नहीं होता कुछ भी। क्लियर हो गया? उसके बाद कह रहा है, ये हो गया ट्रांजेक्शन, उसके बाद बस कुछ नहीं, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दो। हमारा आना कितना चाहिए था? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 9000, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? लास्ट ईयर है 9000 और एडवांस है लास्ट ईयर के लिए कुछ भी नहीं है, गिवन ही नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए देखो 9000 आउटस्टैंडिंग थे, अब मैं यहाँ लिखूँगी बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 2016 का और 2017 का। ठीक है, दो साल का आएगा। अब ध्यान से देखो, 2016 में 9 मिलने थे, 5 मिल गए, तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 4000 हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑन, क्या लिखा हुआ है? ऑन लिखा हुआ है ना, ऑन 1 अप्रैल 2016 के 9000 मिलने चाहिए थे, आउटस्टैंडिंग थे और 5 मिल गए हैं हमें, तो क्या कर दूँ मैं? 4000, इसका मतलब आज भी आउटस्टैंडिंग है। और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 12000, जो हमारे इस कैलकुलेशन से लेके आए थे हमें, तो दोनों को क्या कर दूँगी मैं? ऐड कर दूँगी, 16000 आ जाएगा। और एडवांस, अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो 3000 एडवांस है, तो यहाँ पर लिखोगे आप बाय नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस कितना एडवांस कह रहा ना नेक्स्ट ईयर के लिए 3000। ठीक है, मतलब बच्चों बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, जब ऐड ही नहीं है तो इसलिए आउटस्टैंडिंग रिसीव कितना हो गया? 1,08,000, जबकि होना कितना चाहिए था? 1,20,000, इसका मतलब 12,000 आउटस्टैंडिंग है, मिलेंगे फ्यूचर में, इसलिए हम क्या शो कर देते हैं? आउटस्टैंडिंग प्लस करके 1,20,000। अब सब्सक्रिप्शन की बात आ गई, 2016 में 9 थे, 5 मिल गए, तो 4 तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर के अभी हमने कैलकुलेट करें 12, तो टोटल आ जाएंगे 16000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड सो द शो एज हाउ दे वुड अपियर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब देखो यहाँ पर भी बड़े ध्यान से देखना, मैंने कहा है इस वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन हो तो सिर्फ करंट ईयर ध्यान रखना, लास्ट ईयर का कुछ इंक्लूडेड नहीं होता इसमें। ठीक है, करंट ईयर ध्यान रखना है सिर्फ। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए 60,000, 7 दे रखे हैं और 5000 दे रखे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 2016 का? 2016 मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था कितना? 10, 7 मिल गए, इसका मतलब 3 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बाद में देखेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया 25,000। अब यहाँ पर वर्ड दे दिया टोटल, इसका मतलब टोटल जब भी दे दे तो इसमें लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड हैं और करंट ईयर के भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, टोटल दे रखा है तो लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड हैं और करंट ईयर के भी है, तो एंट्री 25,000 से होगी एंड में। बैलेंस शीट में कितने ट्रांसफ़र होंगे? करंट ईयर मतलब 25,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस हैं किसके? करंट ईयर के, वो लास्ट ईयर के, तो ऐड हो जाएंगे 4000। ठीक है, लास्ट ईयर के 4000 और करंट ईयर के एडवांस कितने? 5000। यहाँ तक समझ में आ गया? हमें ट्रांजेक्शन्स करनी है। यह आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग, थर्टी फर्स्ट मार्च 2017, तो करंट ईयर हो गया 17। बैलेंस शीट थर्टी फर्स्ट मार्च 2016, बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च
2017. क्या कह रहा था? सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन है 60,000, वो लिख दो यहाँ पर, लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. रिसीव्ड कितना आएगा आप लोगों का? 60,000. ठीक है. उसके बाद क्या कह रहा है, हमें करंट ईयर ही देखना होता है इसमें. 60,000 में ना तो लास्ट ईयर के इंक्लूडेड है ना ही नेक्स्ट ईयर के इंक्लूडेड है, इसलिए सिर्फ क्या देखना पड़ेगा आप लोगों को, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इसमें इंक्लूडेड है. टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमें कितना, 25,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब ये लास्ट ईयर का है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा करंट ईयर के लिए. तो यहाँ पर क्या करोगे, ऐड आओ वो एडवांस फोर, एडवांस ऑफ करो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का एडवांस इस साल के लिए, इसलिए ऐड करना पड़ेगा 4,000. क्लियर हो गया? अब देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कुछ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखना है. देखो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 25 दे रखा है, कहीं ना कहीं इसमें लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड हैं, लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड है ना. देखो कैसे, 10 थे लास्ट ईयर के, 7 मिल गए, तो 3,000 इसका मतलब इसमें लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड हैं. इसका मतलब अगर 3,000 लास्ट के हैं तो 22,000 करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 22,000, इसलिए ऐड होंगे वो भी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाते हैं ना. ठीक है, कितना आ जाएगा, 22,000 हो जाएगा यहाँ पर, कितना, 86,000. बस कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि मैम यहाँ पर 25 क्यों नहीं लिए, है ना, सिर्फ यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगा मैम 25 ही क्यों नहीं लिए. इसलिए नहीं लिए बेटा, टोटल कह रहा है, टोटल का मतलब है लास्ट ईयर वाले भी इंक्लूडेड हैं, लास्ट ईयर वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग देखने होते हैं. हमें कौन से आउटस्टैंडिंग देखने होते हैं, करंट ईयर वाले. देखो 25 टोटल हैं, लास्ट ईयर के 10 थे, 7 मिल गए, तो 3 लास्ट ईयर के इसमें इंक्लूडेड हैं, तो करंट ईयर के कितने होंगे, 22,000, इसलिए 22,000 आएंगे करंट ईयर के और एडवांस. जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें सिर्फ करंट ईयर की दो ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्योंकि इसमें मैंने ना तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर रखा है, ना ही नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस ऐड कर रखा है, इसलिए सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आती है, ये दो आती हैं ट्रांजेक्शन जो करंट ईयर की होती हैं. ठीक है, अब कर दो बस, बैलेंस शीट में देखो कितना आएगा, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 10,000 था, और लास्ट ईयर का एडवांस कितना था, 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000, वही जो अभी आया था 4,000 हमने देखा, तो जो लास्ट ईयर हमें मिल गया था करंट ईयर के लिए. अब यहाँ पर आ जाएगा, पूरा लिख देती हूँ, बाय नहीं आता, टू नहीं आता. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, फर्स्ट 2000 किसका है, 16 का, सेकंड 2017 का. अब क्योंकि टोटल दे रखा है, टोटल तो 25 आ जाएंगे, करंट ईयर के मैंने कैलकुलेट करे थे 22,000 और लास्ट ईयर के 3,000 है. ठीक है, जब भी टोटल दे दे या ऑन दे दे, क्या दे दे, ऑन, तो यहाँ पर क्या आता है, टोटल वाला जो गिवन होता है वो आता है, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस कितना, लास्ट ईयर का देखो यहाँ दिया होता है 5,000, तो इसलिए 5,000 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया होगा आई थिंक. इन वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यही होती है कि क्योंकि इसमें ना तो ये इंक्लूड है ना ही एडवांस इंक्लूड है, तो इसलिए सिर्फ इसकी बात होती है और इसी ईयर के आउटस्टैंडिंग और इसी ईयर के लिए एडवांस की, जिनसे ये इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए माइनस नहीं करते. दो ही ट्रांजेक्शन आती हैं इन वाले क्वेश्चन पे, जो इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं ना उनमें दो ही ट्रांजेक्शन्स आती हैं. ठीक है, कौन सी, करंट ईयर वाली, औरों में टोटल होता था
तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते थे और करंट ईयर का एडवांस प्लस भी माइनस करते थे, लेकिन क्योंकि इसमें ऐड ही नहीं है, अलग अलग दे रखे हैं, ऐड ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं करना, सिर्फ करंट ईयर का देखना होता है कि कितना एडवांस है और कितना आउटस्टैंडिंग है जिनसे मेरी इनकम जनरेट हो रही है, ऐड हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कह देता 60 में इंक्लूडेड है आउटस्टैंडिंग या एडवांस तो माइनस करते, जब इंक्लूडेड ही नहीं है बेटा तो क्यों माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसको ना अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, वैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी पड़ता है। अगर कोई इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के करवा दो मैम तो मैं करवा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में याद रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर का इंक्लूडेड नहीं होता इसलिए उसे इग्नोर करते हैं। और सम्स में देखो कहता था इंक्लूडेड, जैसे इस वाले में देखो 250 इंक्लूडिंग ये, इसलिए माइनस करते थे, इसमें क्योंकि इंक्लूडेड ही नहीं है, अलग से दे रखा है, तो इस टाइप से होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अगर यहाँ पर लास्ट ईयर का एडवांस भी दे दिया होता ना, लास्ट ईयर का एडवांस वो भी ऐड हो जाता, लेकिन क्योंकि दिया ही नहीं है इसलिए इग्नोर करना है। तो कौन कौन सी चीज़ें, इस वाले जो भी ऐसे सम होते हैं उनमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, सिर्फ लास्ट ईयर का एडवांस क्योंकि करंट ईयर की इनकम होती है वो, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्योंकि करंट ईयर की इनकम होती है, बस उन दोनों को ध्यान रखना है। और अलग अलग दे रखे हैं, ऐड है ही नहीं इसलिए माइनस ही नहीं करेंगे। हम क्या कर देते, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते थे, लेकिन अलग दे रखा है इसमें ऐड नहीं है इसलिए माइनस नहीं करना। और हम करते थे नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस जो 3000 है वो माइनस करते थे, लेकिन ऐड ही नहीं है तो माइनस क्यों करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो। थैंक यू।